अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है शीर कौरमे की, जो बहुत ही यमी और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। सो छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, फुल देखिएगा। सो यहाँ पे जो है सेवैयों को हमने कर लेना है फ्राई। ध्यान रखिएगा जले ना, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हमने इनको फ्राई करते रहना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर बिल्कुल उनका चेंज होने लगा है। सो हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में और ठंडा करने के लिए रख देंगे। सो यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, पहले मुझे जो है वो अभी हमने नारियल इसमें फ्राई कर लेने हैं। मुझे पहले नारियल फ्राई करने थे, बाद में मैंने जो है वो सेवैयाँ फ्राई करनी थी, बट कोई बात नहीं। खैर, अब जो है हमने नारियल को फ्राई कर लेना है, इसको भी हल्का सा ब्राउन करने लगा है। इनका कलर चेंज होने के बाद हमें इसको निकाल लेना है। सो इसके लिए चाहिए होता है हमें कंडेंस्ड मिल्क, मीन्स कि गाढ़ा दूध। दूध को आप गाढ़ा कर लीजिएगा और देन उसके बाद हमने जो है यहाँ पे जो फ्राई की थी सेवैयाँ वो इसमें ऐड कर देंगे। और सेवैयाँ जब तक गल नहीं जाती तब तक जो है हमने इनको पकाते रहना है। और अब मैंने यहाँ इसमें ऐड कर दिए थे नारियल। ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो, जितना दिल चाहे ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। जितने आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करोगे उतना अच्छा आपका शीर खुरमा बनेगा। और यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी इसमें ऐड कर दी थी। सो जी, यहाँ पे हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।